मध्य प्रदेश के उज्जैन में चल रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आखिरी दिन है। इस कॉन्क्लेव में निवेशकों का सरकार को अच्छा रिस्पांस मिला। सरकार की सियासतों और सहूलियतों से देश विदेश के बिजनेसमैन काफी उत्साहित हैं। टीवी 24 से बातचीत में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं, रोजगार के अवसरों पर निवेशकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है और मैं आपको आज बताता हूं कि किस तरह से ये कॉन्क्लेव चल रहा है। आज अंतिम दिन है और ये आप देखेंगे कि व्यवस्थाएं हैं शासन की। ये एंट्री गेट है, यहां से लोग अंदर आते हैं। ये एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। मध्य प्रदेश फ्यूचर रेडी स्टेट मीडिया लॉन्च यहां पर बनाया गया है। यहां पर मध्य प्रदेश के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के फायदे सामने आ रहे हैं। तो ये स्थितियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आइए आप, अलग अलग कंपनियों ने अपनी प्रदर्शनियाँ लगाई हुई हैं। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से सभी कंपनियाँ अपनी अपनी बात जनता तक, यहाँ आने वाले इन्वेस्टर्स तक पहुँचाने की कोशिश करती हुई दिखाई देती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए आप किस तरह से यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे ये अभय परिमित, यहाँ पर ये इन्होंने अपना स्टॉल शुरू किया है। यहाँ पर आप देखिए मशीन्स के एग्जीबिशन भी लगाई गई है, कैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सॉल्यूशंस की तरफ मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है। यहाँ पर वॉल्वो का कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यहाँ पर लगाया गया, एक इंजन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो ये इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर श्रीदी दूध की एग्जीबिशन लगाई गई है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के यहाँ पर एग्जीबिशंस हैं। तो आइए और आपको और बताते हैं कि कैसे यहाँ पर चीजें हैं। बाहर हम चलेंगे और ये वो हॉल है जहाँ पर मध्य प्रदेश के इसको अवंतिका इनॉग्रल हॉल कहा गया है, इनॉग्रल हॉल है और यहाँ पर इनॉग्रेशन प्रोग्राम होते हैं। तो इस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, दो दिन का ये कॉन्क्लेव इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, निवेश के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की डॉक्टर मोहन यादव की पहल। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ अतुल पाठक, उज्जैन, इन्वेस्टर कॉन्क्लेव।